हेलो एवरीवन आई एम डॉ कनिष्का कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप सो गैस एम सी क्यू की सीरीज है ट्वेंटी एम सी क्यूज इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक्चुअली आज जल्दी मैं इसलिए डाल रही रूँ क्योंकि आई हैव टू गो समेयर वरना अगर लेट हो जाती तो फिर नहीं आती और आपको प्रैक्टिस डेली क्वेश्चन की करनी है ठीक है इसके अंदर जो मैंने मेन रखा है वो इंग्लिश का कंटेंट रखा है बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम कर रहे हैं बट इंग्लिश के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे तो एम सी क्यू इज़ आ प्लेटफॉर्म जिससे मैं आपकी इंग्लिश को भी टेस्ट कर सकते हैं आप अपने और मैं आपको हेल्प भी कर सकती हूँ उसमें ठीक है तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका साइंस का क्वेश्चन है डिट इज क्वेश्चन नंबर वन कि जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो किसने प्रपोज की थी ए है यहाँ पे मेंडल बी इज डारविन सी इज लेमार्क एंड डी इज कार्ड लेंस्टर तो एक बार वीडियो को पोज कीजिए जिसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस जो था थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें कहा था कि भैया जो जो है कंपटीशन में उभर जाएगा कम्पीट कर देगा नेचर उसको सिलेक्ट कर देगा इसको आप कैसे समझेंगे जो अच्छे से पढ़ लेगा रिवाइज कर लेगा उसको पेपर वाले सिलेक्ट कर लेंगे बाकी रह जाएंगे डेट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें ये याद रखेगा कि एंटीजन पूछा आपसे एंटीबॉडी नहीं पूछा है तो ए इज आइदर ए बी बी इज बोथ ए बी सी नाइदर ए नोर बी एंड डी इज ओ एंटीजन तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब ओ ब्लड ग्रुप आ जाता है इसको आप कैसे याद दिखेंगे ओ कैसा दिखता है जीरो के तरीके से दिखता है ठीक है जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो नाइदर ए नोर बी यहाँ पे याद रखना है कि एंटीजन इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता बट जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ए और बी दोनों की दोनों प्रेजेंट होती है और एंटीजन दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं होता नेक्स्ट आते डेफिशंसी और टोकोफेरोस टू स्टर्लिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स द पॉपुलर वर्ड फॉर टेको टोकोफेरोलिस मतलब कि आपसे पूछा है कि टोकोफेरोल जो है अगर वो किसी पर्सन के अंदर नहीं होता तो उसके मेल या फीमेल किसी के अंदर भी एबसेंस होते हैं उनकी तो उनका क्या होता है स्टर्बिलिटी आ जाती है उनके अंदर तो आपसे पूछा गया है कि टोकोफेरोल जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है ए इज़ विटामिन बी थ्री बी इज विटामिन के सी इज विटामिन डी डी इज विटामिन ई तो एक बार वीडियो को पोस्ट की कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो है विटामिन ई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेट इज क्वेश्चन नंबर फोर इसमें पूछा गया कि, program, है कि विद रेफरेंस टू आर्टमिस प्रोग्राम साइंस बेस आपका करंट अफेयर है ये जो न्यूज के अंदर था इट इज जो दो स्टेट्समेंट दे रखी है आपको बताना है कि कौन सी है ठीक है ए इट इज नासा नेक्स्ट मिशन टू द मून एंड सेकेंड इट विल लैंड द फर्स्ट वीमन ऑन द मून बाई टू तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छे से देखिएगा और उसी के साथ ये देखिएगा कि कौन से ईयर की बात की जा रही है तो विच of so the above statement is are correct A is one only, B2 only, C both one to D, neither word. Note to the time key. ओके okay, डन तो यहाँ पे बोथ जो है वो सही आंसर होगा ये नाशा का नेक्स्ट मिशन है मून का और 2004 तक जो है वो पहली बार ऐसा होगा कि हिस्ट्री में कि एक फीमेल जो है वो लैंड पे मून पे लैंड करेगी नेक्स्ट आता है डेट इज स्पाइस प्लस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वो किससे रिलेटेड है ए इज़ इनिशिएटिव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसिसज एंड कोकोनट दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव सेकेंड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सी इज वीमन सेफ्टी इनिशिएटिव बाई आई टी डेली एंड डी इज इनकम टैक्स रिटर्न प्लेटफॉर्म डेवलप बाय नीति आयोग तो टाइम कीजिए कटन तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव जो होता है उसके लिए स्पाइस प्लस एक्स स्पाइस प्लस जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू पी किसान स्कीम कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये जो स्कीम है ये इनकम को ऑगमेंट करती है फार्मर की बाई प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू ओल्ड लैंड होल्डिंग फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज ओनली अवेलेबल टू फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री

सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू रिसेंटली मेड चेंजेस इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं यह आपको इसके अंदर बताना है ठीक है तो फर्स्ट एज द एनरोलमेंट अंडर द स्कीम टू बी मेड वॉल्यूट्री फॉर ऑल फार्मर्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज सेंट्रल शेयर इन प्रीमियम सब्सिडी टू बी बंक्रीज टू नाइन्टी परसेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयरिंग पैटर्न ऑफ फिफ्टी फिफ्टी ठीक है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप ने देख ली, एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए फर्स्ट है यहां पे ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी नाइदर वन नो टू तो एक बार स्टेट्समेंट और देखिए और इसको अटैम्प्ट कीजिए ओके डन ठीक हो गया तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पे करेक्ट है दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहां पे सही आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट इज आर्टिकल एटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्टीट्यूशनिशन ऑफ लोकसभा जैसे मैं आपको बोलती हूँ आर्टिकल्स के नंबर आपको याद रखने एंड सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी अपर लिमिट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा तो इसमें विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट मुझे लग रहा है ये वाली स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा ईजी है ना पेपर के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके सामने ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन ए टू डी अदर वन नो टू तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट देख लीजिए ओके ये देखिए ऑप्शंस. ठीक है हो गया तो यहां पे ए जो है वन ओनली इसका सही है क्योंकि यहां पे एक स्ट्रेंथ बता रखी है ये स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा के केस में और राज्यसभा दोनों के केस में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट दैट इज साथी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट है इट इज एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड इट एम्स टू एड्रेस द नीड फॉर बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनल

ओके okay, ठीक है तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वन टू जो है वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरविजन इट इज हेड क्वार्टर फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली सेकंड इट इज द वॉल्ट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरविजन एंड रेगुलेटर तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है एक बार इनको रीड कर लीजिए ओके okay. ऑप्शन देखते हैं ए इज वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी वन नोट टू ठीक है हो गया तो स्टेटमेंट देख लिया आपने एक बार ऑप्शन देख लिया अब आते हैं बी के ऊपर डेट इज़ टू ओनली इसका सही स्टेटमेंट है अब शुरुआत करते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन से यहाँ पे जो मैंने टेन क्वेश्चंस रखे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रखे हैं इसकी जो डिटेल uh, है मतलब कि सिम्पलीफाई uh, है चीज़ की कि इसका क्या आंसर होगा तो क्या करूँगी कि ये जो सोल्यूशन है इसका मतलब कि ये जो चारों वर्ड्स है इनके जो मीनिंग्स होंगे उसकी एक पी बना के मैं कल जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपने टेलीग्राम चैनल

ओके okay डन तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये वर्ल्डली चीजें होती हैं मतलब कि पूजा पाठ कर्म धर्म ये चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देता है और वो खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन से चीज़ों को अटेन करना चाहता है तो उसको हम क्या कहते हैं असेटिक कहते हैं नेक्स्ट आता है वन हु द रिलीजियस फेड कोई एक ऐसा पर्सन जो कि अपने धर्म को छोड़ देता है तो हम उसको क्या कहते हैं ए इज एपोस्टेट बी इज प्रोस्टेट सी इज प्रोफेन एंड डी इज एग्नोस्टिक तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए जिससे अटैम कीजिए Okay, done. तो अपोजटेट जो होता है वो पर्सन होता है जो कि अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ देता है नेक्स्ट आता है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग तो कोई ऐसा पर्सन जो कि नया नॉलेज नहीं गेन करना चाहता ए इज बिब्लोफिल बी इज फिलोलॉजिस्ट सी इज मिसोगेनिस्ट सी इज डी इज मिसोलॉजिस्ट तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है मिसोलॉजिस्ट क्या होता है वो एक हेटर होता है एक पर्सन जो कि नॉलेज या लर्निंग को अटेन नहीं करना चाहता नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर मतलब कि आप वर्ड्स को कर रहे हैं और सेम लेटर से वो साथ में होते जा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे ए इज़ पिन बी इज एलिट्रेशन सी इज ट्रांसफर्ड एपिटेट एंड लास्ट इज ऑक्जीमोरोन तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay डन तो बी जो ऑप्शन है एलिट्रेशन जो होता है वो कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं विद सेम लेटर नेक्स्ट आता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कोई ऐसा पर्सन है जो भगवान को मानता ही नहीं है तो ए इज थिसिस बी इज हेरेटिक सी इज एथिस्ट एंड डी इज फैनेटिक ओके okay डन तो यहाँ पे एथेस्ट जो होगा वो हो गया कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता अ लेडी अम्ब्रेला इज अगर एक औरत के अम्ब्रेला के बारे में आपको बताना है तो आप तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे ए इज़ पैरासल बी इज ग्रीनरी सी इज़ एपी एपिथैप एंड डी इज एवरी तो एक बार इसको वीडियो को पोस्ट कीजिए इस अटैम्प कीजिए तो पैरासल जो होता है वो एक लेडी की अम्ब्रेला को डिटेक्ट करता है नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोड्स और हीरोज मतलब कि आप जब पुराने ज़माने के किसी हीरो या भगवान की स्टोरी सुनाते हैं तो उस पर्सन को मतलब वो जो हीरो होता है उसको आप क्या कहते हैं ए इज लिरिक बी इज एपिक सी इज लेजेंड एंड डी इज रोमेंस ओके okay डन तो यहाँ पे लेजेंड जो होगा वो क्या होगा स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोर्स और हीरोज नेक्स्ट आता है सैड सॉन्ग इज ए इज डिटी बी इज नेल सी इज डर्ज एंड डी इज ले ओके डन तो डर्ज जो है वो एक सैड सॉन्ग के लिए वर्ड वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है नेक्स्ट आता है वन हु बिलीव इन पावर ऑफ फेथ जो कि किस्मत में ज्यादा बिलीव करते हैं ए इज फेटलिस्ट बी इज ऑप्टिमिस्ट सी इज पेसिमिस्ट एंड डी इज तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay डन तो यहाँ पे फैटलिस्ट जो होता है वो एक ऐसा पर्सन हो जाए जो कि फेथ की पावर में मतलब किस्मत की पावर में बिलीव करता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी ए इज कॉस्मोपोलिटिन बी इज द फ्रेट्रीसाइड सी इज एल्ट्रुस्टिक एंड डी इज ए तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए अटैम्प्ट कीजिए ओके okay डन तो सी इलेक्ट्रिस्टिक जो है वो एक पर्सन होता है जो हर किसी को प्यार करता है पसंद करता है तो इसी के साथ क्या होगा कि आज इंग्लिश को आपने थोड़ा अपना जज कर लिया होगा कि क्या आपकी वीकनेस है या क्या स्ट्रेंथ है इसी तरीके से टॉपर स्टॉप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एम डालता है ताकि आप टाइम टू टाइम अपने आप को जज कर सके अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा वो चीज़ स्ट्रॉग है चलो उसको बाद में कर लूँगा तो वो वाली चीज़ आप ना करें ठीक है इसकी जो है ये मतलब कि सारा जो सोल्यूशन है इंग्लिश के क्वेश्चन का ये मैं पी कल डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल डेवलपमेंटल इशू में भी अगर अच्छे हो खासा रिस्पॉन्स हो जाता है तो उसका भी डाल दूंगी लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से कर लीजिए उसको वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच